दिया। मोदी जी का ये फायदा हो गया कि उन्होंने देखो कि मेरे गुरु थे, मैंने इन्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन अब भारत रत्न दे दिया। तीसरी बात एक और है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में कुछ लोगों का हाथ था, बड़ा हाथ। उसमें से सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो आडवाणी जी का था। किस तरह से देख रहे हैं, बाबरी के बाद ज्ञानवापी का मामला है, उसके उसी बीच जो है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को देने का जो है अनाउंस हुआ है कि बहुत उच्च कोटि का काम वो किए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने किसी को भी, अपने और पराए को, जिसको भी उन्होंने साइडलाइन करना हो या ठिकाने लगाना हो, वो लगा देते हैं अपने फायदे के लिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बार बार ये बोला जा रहा था कि, और मोदी जी की छवि इससे थोड़ी ख़राब भी हो रही थी कि वो उनके मेंटर हैं। वाजपेयी जी एक बार उन्हें हटाना चाहते थे तो आडवाणी जी ने बचाया, और फिर उन्हीं के साथ धोखा करके उन्होंने आडवाणी जी को साइडलाइन किया। तो अपनी छवि सुधारने के लिए मोदी जी जो है ना, हमेशा आपदा में अवसर देखते हैं। तो उनको लगा कि आडवाणी जी को इस वक्त भारत रत्न दे के वो एक तरह से जो आरएसएस की कोर टीम है, वो कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो उन्हें बिहार की वजह से, बिहार की सरकार तोड़ने के लिए जो मजबूरी में भारत रत्न देना पड़ा था, तो अब उनके ऊपर काउंटर प्रेशर था, भाई किसी भी वजह से तुमने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है तो एक कम से कम आरएसएस का भी आदमी होना चाहिए। तो उन्होंने एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ और कई काज किए उन्होंने। तो एक तो आरएसएस को देखो, आरएसएस और जिन्ना साहब की जो गठजोड़ है, दोनों ने मिलकर ही भारत के टुकड़े कराए। तो जिन्ना साहब की तारीफ करने आडवाणी जी यहाँ से वहाँ गए थे, तो आरएसएस का एक एजेंडा ये पूरा हुआ कि जो जिन्ना साहब को भारत रत्न नहीं दे पा रही आरएसएस, वो उन्होंने आडवाणी जी को दे के करा दिया। मोदी जी का ये फायदा हो गया कि उन्होंने देखो कि मेरे गुरु थे, मैंने इन्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन अब भारत रत्न दे दिया। तीसरी बात एक और है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में कुछ लोगों का हाथ था, बड़ा हाथ। उसमें से सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो आडवाणी जी का था, और एक और इसमें से दो तीन लोगों का और हाथ था, जिनको भी, जो आपको मुस्लिम तंजीमों के हेड हैं, उनको भी किसी दिन अगर बाबरी मस्जिद की शहादत का अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो हो सकता है इस तरफ के लोगों को भी कुछ भारत रत्न जल्दी मिल जाए। उसका भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत कराने में, और अब जो दूसरी मस्जिदें हैं, और जो देश का सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म कराने में मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे जो एक तरीके से आरएसएस के स्पॉन्सर्ड नेता हैं, उनमें से भी किसी को जल्दी भारत रत्न मिल सकता है, ऐसा मुझे अंदेशा है। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण में आडवाणी जी भूमिका निभाए हैं। मैंने अभी एक भूमिका बताई, तो यहाँ से चल के वो जिन्ना साहब के मज़ार पे गए थे उनको एक मेडल देने के लिए। तो इससे बड़ा आरएसएस, देखो कई चीज़ों में आरएसएस ईमानदार भी है। अपने आदमी को, जिन्ना साहब आरएसएस के आदमी थे, आरएसएस और वो दोनों ने मिलकर ही देश के टुकड़े कराए ना। तो अब किसी ना किसी बहाने तो अपने सबसे बड़े नेता को वहां भेजा आरएसएस ने, ताकि जिन्ना जी का एक तरीके से महिमा मंडन किया जा सके। तो वही उसी 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 कारनामे की वजह से हो सकता है ये उनका कारनामा कम है क्या? हमारे देश के टुकड़े जिन लोगों ने कराए, उनकी जाके उनको बड़ा आदमी कहना, ये उनका कम कंट्रीब्यूशन है देश के लिए? यही तो आरएसएस चाहती है, देश के जो टुकड़े कराएगा उसको ही तो पुरस्कृत करेगी आरएसएस। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना, उद्घाटन होना, उसके बाद आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना, ये मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। फिर ज्ञानवापी आ गया, फिर मथुरा आ जाएगा, तो कहने एक के बाद एक 24 चुनाव सामने है। चाहे मुसलमान हो या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, या क्रिश्चियन सिख बौद्ध हो, इनको चिढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, और किसी तरीके से चिढ़ते नहीं हैं ये सब लोग। वो तरीका है संविधान के ऊपर हमला करना। हम सब संविधान के ऊपर हमले की वजह से चिढ़ते हैं, किसी से भी। ये सब संविधान पे हमला करते हैं, इसीलिए तो हमारी चिढ़ है इनसे, और क्या चिढ़ है? अगर ये संविधान के हिसाब से काम करने लगे तो हम बिल्कुल नहीं चिढ़ेंगे इनसे, चाहिए फिर कुछ गंदा काम भी करें, लेकिन ये तो संविधान ही खत्म करना चाहते हैं। संविधान से ही तो हम लोगों को सब तरह की आज़ादी है, फाइनेंशियल आज़ादी, पढ़ाई की आज़ादी, रोजगार की आज़ादी, और रोजगार का हक, पढ़ाई का हक, जमीन प्रॉपर्टी लेने का हक, वोट का हक, पढ़ाई लिखाई करने का हक, सड़क पे चलने का हक, पानी पीने का हक, समझ रहे हैं आप? ये सब हक संविधान से आते हैं ना।
कि अपनी इबादत अपने तरीके से करने का हक, ये सब संविधान से आता है। इसलिए हम सब लोग एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटीज़ के जो 88% लोग हैं, उनको चिढ़ तभी होती है किसी से जब कोई संविधान पे हमला करता है। आडवाणी जी ने संविधान पे हमला किया, इसीलिए हमारी उनसे नाराजगी है। मोदी जी संविधान पे हमला करते हैं, इसीलिए उनसे हमारी, आप चिढ़ कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ हमारी नाराजगी है उनसे और रहेगी। संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बन के और संविधान के साथ धोखा करना, ये नाराजगी का हमारा रीजन है मोदी जी से और आडवाणी जी से और सबसे। तो सर आप कह रहे हैं कि इधर तंजीम के लोगों को भी भारत रत्न, आप इंतजार कीजिए, मुझे अब काफी स्ट्रांग अंदेशा हो रहा है कि आरएसएस अपने दूसरे लोगों को, उनकी भी तो कंट्रीब्यूशन है बाबरी मस्जिद के लिए। ज्ञानवापी में क्या है सर? ज्ञानवापी में भी पूरी ताकत लगा रहे हैं वो लोग, जो नजर आने में हमारे लोग नजर आते हैं, पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरएसएस के जो डायरेक्ट लोग हैं उनसे कम थोड़ी है। तो नोबेल पुरस्कार तो उन्हें भी मिलेगा, मुझे पूरा अंदेशा है। नबी तो पहले बाबरी मस्जिद का हारने के लिए तो मिलेगा, उसके बाद ज्ञानवापी का भी मिलेगा। मतलब कई लोग हैं ना, ये भी कई सारे भारत रत्न देने पड़ेंगे, एक एक के हिस्से में कम से कम एक एक तो आएगा ऐसा।